नमस्कार दोस्तों, ये हमारे चैनल की पहली डिबेट है। ये डिबेट इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि फिर आप स्किप स्किप कर दोगे तो फिर लफड़े से हो जाएंगे, आप गलत समझ लोगे या फिर हम गलत बोल दें आप गलत समझ लो, इसलिए तो पूरी एक स्किप मत करना। और ये डिबेट है, डिबेट की तरह चलती रहेगी, हालांकि थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। एक अमानस टॉपिक बताइए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एक अलग सी वो है कि देखिए आपके व्यूज और हमारे व्यूज डिफर करेंगे इस वीडियो में। धोनी और सचिन के ऊपर है ये वीडियो। आप किसी कोई सचिन के फैन से, कोई धोनी के फैन से, लेकिन हम अपने व्यूज दे रहे हैं। और बाकी ये देखिए, ये मामला दुनिया के सामने निकल के नहीं आया, बस हम बता रहे हैं, अपने व्यूज दे रहे हैं, तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा इस बात का। और मैं आपको बता दूं कि जो देखिए जो माने से डिबेट करेंगे ना अपन, इसके अंदर ये बात नहीं कि हम सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे कि हम ऐसे करेंगे जैसे मैं उसके अगेंस्ट भी जा सकता हूं और उसके फेवर में भी जा सकता हूं, ताकि आप लोगों को मजा भी आए। मैं आप लोगों की साइड से अगेंस्ट भी जाऊंगा और फेवर भी जाऊंगा ऐसे। तो माने टॉपिक बता दीजिए। देखो टॉपिक ये है हमारा, पूरा टॉपिक का हमको समझा देता हूँ। देखिए सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया था वनडे से 2012 में, जब उनकी उम्र थी 39, और टेस्ट क्रिकेट से लिया था कुछ 24 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब हाँ, टेस्ट में जब ही लिया। तो सवाल ये उठता है कि सचिन तेंदुलकर को तो वर्ल्ड कप के बाद भी खिलाया गया था 2 साल, और धोनी को आपने 2019 वर्ल्ड कप के बाद ही टाटा बाय बाय कर दिया। मतलब कुछ ये रणनीति सी जो है, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपने बोला 2019 के बाद उनको मौका नहीं मिला। मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर धोनी ने खुद ने बोला हो कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ सिलेक्शन के लिए, तो क्या हो सकता है फिर? मतलब क्योंकि उनका वो एक तरह से टूट से गए थे, अगर वो वर्ल्ड वो जब रनआउट हुए तो उसके बाद से वो आप वो दिखे भी कम थे कैमरा के सामने भी। निशांत इसकी कोई पुष्टि नहीं आई थी कि धोनी ने ये नहीं बोला था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं खेल पाऊंगा, ये कहीं पे भी नहीं बोला धोनी ने। खुद एक मेंटल कंडीशन ये हो सकती है कि बाहर से दिख रहा हो आपको एक्सटर्नल बिहेवियर उनका, लेकिन ये नहीं था, बिल्कुल भी नहीं बोला था धोनी ने इस चीज के बारे में कि मैं अनअवेलेबल हूँ, अब मैं नहीं खेलूंगा। बल्कि वो तो ढूंढ रहे थे, वो प्रयास कर रहे थे कि कैसे अब अंदर आए। डोमेस्टिक लीग खेल रहे थे, झारखंड से खेल रहे थे 5-6 मैच झारखंड से खेले 2019 वर्ल्ड कप के बाद भी। ये नहीं कहा था उन्होंने कहीं पे भी कि मैं अनअवेलेबल हूँ, खेलना चाहते थे पर मौका दिया नहीं गया। तो बीसीसीआई ने फिर उनको मौका दिया क्यों नहीं, जब वो 2019 का जैसे रनआउट हुआ उसके बाद से एकदम से सब बिखर सा गया था उनकी लाइफ में। यही तो मैं क्वेश्चन उठाता हूँ कि बीसीसीआई ने कॉल क्यों नहीं लिया कि आप सचिन तेंदुलकर को फिर आप 2 साल तक आप रखते हैं, और इस टाइम पे जो सेलेक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद टाटा बाय बाय। और देखिए 2011 के बाद भी यंगस्टर्स आए थे बहुत ज्यादा, यंगस्टर थे विराट कोहली के यंगस्टर थे उस टाइम पे, फिर रोहित शर्मा को देखे 4 साल हो गए थे, इतना यंगस्टर नहीं कह सकते पर वो भी नए नए आए थे, और कुछ नए जनों का भी करियर की शुरुआत हुई थी। देखिए लेकिन कुछ लोग मानस कहते हैं एज फैक्टर के हिसाब से, क्या पता बीसीसीआई ने कॉल नहीं लिया, और 38 के थे वो उस वक्त, तो क्या पता इस वजह से कॉल नहीं लिया कि हमको थोड़े ऋषभ पंत हैं उनको चांस दे उनकी जगह। निशान बात ये नहीं है, धोनी के साथ ऋषभ पंत भी खेल रहे थे उस टाइम, जरूरी नहीं है कि हर बार ये है कि कराया जाए। और मैं चाहता था कि T20 वर्ल्ड कप भी खेलें, T20 वर्ल्ड कप खेल के जाते हैं वो, रिटायरमेंट इतनी आसानी से नहीं लेते वो। और जिस तरीके के फिटेस्ट बंदे हैं, आज भी कोई 100 मीटर की रेस लगा लीजिए उनसे, या 400 मीटर की रेस लगा लीजिए, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जीत जाता है? मैसी तक को मात दे सकते हैं वो रनिंग, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। अभी थोड़े दिनों पहले किसी ने, नाम नहीं लूंगा मैं, हम ऐसे नाम नहीं लेते, किसी ने बोला था कि आप 2015 से ही धोनी का रिप्लेसमेंट ढूंढ लेते तो सही रहता, क्योंकि आप जो क्रिकेट को घसीटे जा रहे हो एज से, क्योंकि 40-40 साल तक लोग वह खेले जा रहे हैं, किसी ने बोला था, मैं नाम दूंगा, 40-40 साल तक लोग वह खेलते जा रहे हैं, उनकी जगह आप नए बच्चों को मौका दीजिए, ईशान किशन, ऋषभ पंत और ये सब। तो उसका भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी बात से माना साहब सहमत है, क्योंकि वो भी इससे रिलेट करते कहीं ना कहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि धोनी को मतलब T20 धोनी की, मैंने कहा था धोनी की रिप्लेसमेंट कहीं नहीं मिल सकती, कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकती, आपको कभी रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट नहीं मिलती, कभी आंद्रे रसल की रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, और भी बहुत सारे जने इनकी रिप्लेसमेंट आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। आप ढूंढना चाहें तो भी 90% ऑल्टरनेटिव आप ढूंढ लेंगे, लेकिन कभी भी आप धोनी का 1% ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पाएंगे। कौन ऐसा कैप्टन है जो तीनों ट्रॉफीज जिता के बैठा है? मुझे तो पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। कौन अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना यूज करता है कि एक रन से सेमीफाइनल में जो टीम क्वालिफाई करनी जा रही होती है उसको एक अड़चन थी उसको हटा के आप जीत के आते हैं, और कौन इतना कूल रहता है और नए यंगस्टर्स को मौका देता है? किसी, मुझे एक बात बताना, आज तक किसी ने, एक कैप्टन ने अपने स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में पूछा कि एक स्टाफ है उस स्टाफ की इतनी कोई इज्जत करता है? क्योंकि वो बंदा खुद में ऑनेस्ट है,
धोनी जी वो होते हैं वो खुद के अंदर एक ऑनेस्टी पाते हैं। एक वीडियो अपन ने रिलीज की थी वो मैंने आपको दी थी कि वो कितने ऑनेस्ट है खुद के प्रति और उसी उसकी बदौलत आज देखिए इतने बड़े कैप्टन है। स्टाफ मैनेजमेंट ने बोला कि आप लीजिए आप कैप्टन है, बोले नहीं तुम भी टीम का हिस्सा हो तुम भी लोगे और कितने अलग अलग कितने अनोखे अनोखे मैचेस जिता रखे संकट से बाहर निकालने वाले। अब आपने बोला ना कि वो एकदम से गायब कैसे हो गए, कुछ लोग का ये कहना है कि 2019 में उनका फॉर्म बकवास था, ऐसे लोग बात कहते हैं कि बीच जो कुछ मैचेस होते उसमें वो चले नहीं थे और कुछ में चले थे बस, मतलब जो ऊपर नीचे का फॉर्म चल रहा है ना वो था उनका ये सब था, तो इस वजह से क्या पता बीसीसीआई उनके फॉर्म को देखते हुए एज को देखते हुए आगे उनको बुलाया नहीं, क्योंकि पूरा जो आपने देखा होगा ना मानस एक भी मतलब उनका थोड़ा ऐसे ही था टालम टोल जैसा उनका परफॉर्मेंस था बस 2019 का जो सेमीफाइनल था उसमें बढ़िया था। मैं आपको बताना चाहूंगा जीत सकते थे। मैं बताना चाहूंगा 2010-11-12 सचिन का जो फॉर्म था ना वो डिक्रीजिंग लेवल पे आ गया था, अपने करियर के सबसे खराब सालों में थे सचिन उस टाइम, उसके बावजूद वो खेल के गए थे। आप सोचिए इस बात को। कुछ बात कर लेते जैसे बांग्लादेश के खिलाफ जो वर्ल्ड कप हुआ था, बांग्लादेश के खिलाफ उनका इतना अच्छा बल्ला नहीं चला था, एक पाकिस्तान के खिलाफ फिर भी अच्छा खेले थे वो और एक इंग्लैंड के खिलाफ शतक आया था। ये था कुछ मेन इनिंग्स थी जो वर्ल्ड कप में खेली गई थी, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में खेली गई थी उस बदौलत, और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने। ठीक है वो करियर के अपने ऊंचाइयों पर थे, 2010 में उन्होंने शतक दोहरा शतक भी मारा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ था एक कॉन्स्टेंट इनिंग्स नहीं चल पा रही थी। और धोनी की देखिए 2019 के टाइम पे भी सही थी, ठीक था खेल लेते थे, एवरेज सही था, मैच जिता रहे थे आराम से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। जब धोनी ने कैप्टनसी छोड़ दी थी 5 जनवरी 2017 को, उसके बाद से ही तब भी फील्डिंग वही सेट करते थे, हम सब जानते हैं इस बात को। और पता नहीं क्यों फिर इतना आपने अचानक से ही धोनी को लेफ्ट कर दिया, या तो प्रेशर भी बनाया गया एक तरीके से, देखिए प्रेशर बनाया गया और फिर एक साल बाद उन्होंने खुद ही संन्यास ले लिया। तो आप इसके अंदर फिर ब्लेम किसको करेंगे कि उनको मौका नहीं दिया गया या फिर उन्होंने खुद नहीं बोला? मैं सचिन को तो बिल्कुल नहीं दूंगा, सचिन तेंदुलकर जी को तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैं तो बस एक कंपैरिजन ला रहा हूँ कि इतनी पार्शियलिटी क्यों है। मैं तो सिर्फ बीसीसीआई पे सवाल उठाना चाहता हूँ, बीसीसीआई पे सवाल उठाता हूँ मैं तो इस चीज का। मैंने एक इंटरव्यू देखा था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, जब धोनी 2016 वर्ल्ड कप का था, आपने भी देखा हो शायद, जब वो इंटरव्यू और उनसे पूछ रहा था कि आप रिटायर कब होंगे, तो उसने धोनी ने बुलाया था इधर आओ साइड में बैठ के, फिर उनसे बात करी थी कि आपको क्या लगता है मैं 2019 वर्ल्ड कप तक चल जाऊंगा, तो बोले ना हाँ श्योर, तो बोले आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। तो लोग वह कहते हैं कि उससे उनको पता चला है कि धोनी 2019 में रिटायर होने वाले थे जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कहा। कभी कभार हम देखिए फ्यूचर प्रेडिक्शंस को ऐसे मान लेते हैं कि हाँ यार 25 में तो 25 साल का हो गया मेरी जॉब तो लगी जाएगी, कभी कभार उससे अर्ली भी हो जाती है जॉब, कभी लॉटरी लग जाती है आपकी कि पहले वो लग गई जॉब उसके बाद 25 के बाद भी। तारक मेहता के किरदार है पोपटलाल, तारक मेहता के किरदार है पोपटलाल, वो सोचते हैं कि उनकी शादी हो जाएगी लेकिन अभी तक नहीं हुई है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है वो देखिए। पर फिर भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको सही टाइम पे नहीं मिलती, और उन्होंने अगर कह ही दिया कि मैं 2019 को रिटायरमेंट 2019 पर रिटायरमेंट ले लूंगा, उस टाइम पे 2019 का टाइम था उस पर उनको बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अब ड्रॉप हो जाऊंगा टीम से, वो आगे खेलना चाहते थे और करना भी चाहते थे। ब्रैड हॉक का वो आया था बयान जिसमें कह रहे थे कि यू इंडियंस आर स्टूपिड लुकिंग फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ धोनी, दिस मैन कैन सर्व यू टिल 2027, अगले 6 साल और वो सर्व कर सकते थे, पर क्या कॉल लिया मुझे आज तक समझ में नहीं आया, यानी 2 वर्ल्ड कप और खेल सकते थे। तो ये क्या हुआ एक तरह से पॉलिटिक्स से कह के, मतलब उनको मौका नहीं देगा एक तरह से पॉलिटिक्स है, या फिर बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी, जो बीसीसीआई को ब्लेम नहीं कर रहा मैं, जो सिलेक्शन कमेटी में एक अलग से नाम दे रहा हूँ जो टीम सिलेक्टर्स हैं जो कॉल लेते हैं, और उसके अंदर विराट कोहली मौजूद होते हैं, जो ये आपने धोनी पिक्चर भी देखी होगी उसके अंदर धोनी भी मौजूद थे, जो चर्चा चलती है कि तो मानस अब आप कह रहे हैं कि उनको निकाल देगा, तो उसके अंदर फिर कोहली से भी तो पूछा ही गया होगा ना जो कैप्टन है टीम इंडियन क्रिकेट के, इंडियन क्रिकेट टीम के, कि क्या रखना चाहिए या नहीं। देखो कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि हम इस प्लेयर को निकालना तुम्हारी क्या सहमति है इसमें, कैप्टन का सिर्फ रोल ये होता है कि इस प्लेयर को एनालाइज करो, वो बोलते हैं अलग से। देखो आज मैं जैसे सिलेक्शन कमेटी हूँ, मैं सिर्फ बोलूंगा कि एक बंदा ये जो एक्स बंदा है वो कैसा खेलता है उसके एडवांटेजेस बताओ, उसके डिसएडवांटेजेस कभी पूछे नहीं जाते, पहले पूछे जाते थे लेकिन अब नियम चेंज हो गए, जो कॉल लेती है वो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी ही लेती है और उस कैप्टन से सिर्फ उसके एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, एक दो हालांकि उसकी कुछ गलतियां हो रही है तो फिर उस पर बातचीत की जाती है, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो एडवांटेजेस पूछे जाते हैं। तो पर कोच में तो इतनी पावर होती है ना, अगर कोच चाहते हैं रवि शास्त्री अगर चाहते तो रोक सकते थे धोनी को? कोच तो बिल्कुल नहीं चाहते, देखो कोच और कैप्टन पे तो ब्लेम नहीं कर सकता, हालांकि इनसाइड
जो है इनसाइड खबरें हमको पता नहीं है, इनसाइड क्या पॉलिटिक्स हुई है इसके अंदर, पर मैं तो नहीं मानता कि कोच और कैप्टन ने कुछ किया है। हालांकि बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी 2014 में जब धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, उसके बाद विराट कोहली ने उन पर चिल्लाया भी था बहुत ज़्यादा, गुस्सा भी हुए थे विराट कोहली उनसे कि क्यों कर दिया, अभी इतना गंदा कॉल क्यों लिया है, अभी और खेल सकते, पर ठीक है। तो मतलब एक तरह से आपका मानना है कि वो दो साल तक और खेल सकते थे, मान लीजिए 2021 के T20 वर्ल्ड कप तक वो खेल सकते थे। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि आगे कितना खेलते, मैंने बस ये सवाल उठाया कि ड्रॉप क्यों किया गया, उनको ड्रॉप किया था। एक बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कब संन्यास लेगा, लेकिन अचानक से आप ड्रॉप कर देते हो और बोलते हो कि अब रिप्लेसमेंट मिल गई है इनकी, बात खत्म हो गई, ऋषभ पंत को आप रिप्लेसमेंट बना देते हो, व्हाट इज दिस मैन, की तारीफ करेगा। देखिए ये लास्ट सवाल है, और ये लास्ट सवाल थोड़ा सा ऐसा है जो लड़ाई वड़ाई पैदा ना कर दे इस पे, कि ये कि क्रिकेट में धीरे धीरे एज लिमिट बढ़ती जा रही है, लोग अब 40 से 41 साल तक खेले जा रहे हैं, तो ये यंगस्टर्स के लिए मौका उनको नहीं मिलता। मतलब मान लीजिए इन्होंने एग्जांपल लिया कि धोनी ने खेल दिया 2019 तक, 38 साल के थे, अगर वो 35 या 36 में रिटायर ले लेते तो उनकी जगह उस पोजीशन पर ऋषभ पंत होते 2019 में, और वो फिनिशिंग कर सकते थे। अगर आप यंगस्टर्स को चांस दोगे तो ऋषभ पंत को मौका, निशांत जब शिखर धवन बाहर हुए थे तब ऋषभ पंत का कॉल लिया गया, के बाद ऋषभ पंत को मौका भी मिला था, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने मैच नहीं जीता पाए क्योंकि एक सीनियर मोस्ट प्लेयर की जरूरत थी इस टाइम पे। तो ये यही तो कह रहे हैं कि आपने आपने उनको स्पॉट, अगर यंगस्टर्स की बात कर रहे हो ना, यंगस्टर्स को मौका देने की बात कर रहे हो ना, तो मैं बाकी कंट्रीज की गारंटी नहीं ले सकता, पर मैं इंडिया की गारंटी ले सकता हूँ कि यंगस्टर्स का फ्यूचर बहुत सिक्योर है। अभी आप दो टीम्स बना के भेजते हो, आपकी सीनियर मोस्ट टीम टेस्ट क्रिकेट खेलती है, एक आपकी यंग टीम जो जाती है एक सीनियर बंदे के साथ, यंग टीम जाती है वो आपको खिलवाती है T20 सीरीज खेलती है, तो बताओ कौन सा यंगस्टर ऐसा छूट चुका है जिसके साथ पार्शियलिटी हुई है। देखिए कह रहे हैं कि अब आपने मिला सही टाइम पे, आपने उनको स्क्वाड में लिया है क्यों नहीं, आपने उनको रिप्लेसमेंट देखा शिखर धवन का, मान लीजिए अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो उनका तो मौका मिलता ही नहीं ना। अगर आप शुरू से ही है ना धोनी के साथ उनको भी रखते और विकेट कीपिंग उनसे करवाते तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता और वो उस पोजीशन पे होते और धोनी रिटायर हो जाते तो और भी उनके लिए फायदा होता। ये ऐसा कह रहे हैं, मतलब ऋषभ पंत के फैन लगते हैं मुझे इससे, ऐसा लग रहा है जिस तरह से कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे माना साहब? ये कह रहे हैं कि ऋषभ पंत को थोड़ी और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऋषभ पंत को जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले ना उसको साबित करने की, उतना शायद क्रिकेट इतिहास में ही, इंडियन क्रिकेट के इतिहास में किसी को नहीं मिली होगी। आप देखते हैं कि शुरुआत में आते हैं ऋषभ पंत बढ़िया खेल रहे हैं, कॉन्स्टेंट चल रहा है, ठीक है 7-8 मैचेस थे, फिर देखिए फॉर्म में गिरावट आती रहती है, जल्दी आउट हो जाते हैं, थोड़ा इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, सवाल उठ रहे थे धीरे धीरे करके। एक बार तो उनको हटा ही दिया गया था, बिल्कुल ही एक बार हटा दिया गया था ऋषभ पंत को, और फिर वापस लिया, उनका चयन हुआ ऑस्ट्रेलिया टूर में, जब जाके उन्होंने साबित किया खुद को, कीपिंग स्किल्स सुधारी है। ऐसी बात नहीं है ऋषभ पंत को, ये ऐसे नहीं कह सकते कि हम अपॉर्चुनिटीज मिले नहीं ऋषभ पंत को, अब बहुत अपॉर्चुनिटीज दी गई है उसको साबित करने की, पर वो साबित कर नहीं पाए। अगर धोनी प्रेजेंट होते और उनकी जगह ऋषभ पंत से कीपिंग करवाते तो फिर पब्लिक ही बोलती कि क्या है, जब इतना बड़ी एक्सपीरियंस कीपर है तो फिर ऋषभ पंत की क्यों गलती है। तो मतलब आप पहले चाहते भी है चेंज हो और फिर उस पर भी क्वेश्चन उठाना चाहते हैं, तो बस ये भी एक अलग सी चीज है, अब आपकी व्यू है उसमें। देखिए अब लास्ट सवाल को लेके डिबेट खत्म करते हैं। अब ये सवाल है कि अगर धोनी चाहते तो वो ऊपर आ सकते थे 2019 सेमीफाइनल में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सबसे बड़े थे टीम में कोच रवि शास्त्री के बाद, तो उनका भी हक बनता है उसके अंदर, और वो चाहते तो ऊपर आ सकते थे लेकिन वो आए नहीं, और वो 7th नंबर पे आए जडेजा से भी नीचे, दिनेश कार्तिक से भी नीचे। अगर वो चाहते तो 5th-6th नंबर पे आके मैच कप का जिता सकते, तो गलती उनकी है, ब्लेम करने ही। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, अब आप लोग बोलेंगे कि 2011 वर्ल्ड कप पे तो आ गए थे, ठीक है 2011 वर्ल्ड कप में आ गए थे, लेकिन उस टाइम पे कंडीशंस और थी क्योंकि नीचे बहुत सारे धुरंधर बैठे थे, जिसमें थे युवराज सिंह, सुरेश रैना, हरभजन सिंह भी बैटिंग कर लेते अच्छी खासी, और भी कुछ थे धुरंधर, यूसुफ पठान भी थे आपके पास। लेकिन अब आप देखिए अगर 5th-6th नंबर पे बैटिंग करने आता तो नीचे आप देखते हैं कौन एक्सपीरियंस बैठता है, पांड्या को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जल्दीबाजी में अपना विकेट खो सकते थे। फिर नीचे दिया एक ऋषभ पंत थे हमारे पास, उनसे ऊपर आते तो भी दिक्कत पड़ जाती, दिनेश कार्तिक से ऊपर आते, दिनेश कार्तिक को एक्सपीरियंस है पर वो इतना है ना स्विंग बॉलिंग नहीं खेल पाते हैं, उस टाइम पे कंडीशन ही बिल्कुल अलग हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने यंगस्टर्स को प्रमोट किया, खुद नीचे दबाव झेला क्योंकि वो जानते थे कि मैं दबाव झेल सकता हूँ, मतलब प्रेशर में खेल सकता हूँ। और जडेजा, जडेजा का एक कॉल फिर भी ठीक लगा, तो जडेजा को भी ऊपर भेजा कि खुद की काबिलियत साबित करने के लिए भेजा गया,
जडेजा से भी नीचे धोनी आए, लेकिन धोनी ने बिल्कुल धीरे खेला जब और जडेजा आक्रामक खेल रहे थे, तो इस तरह से कह रहे कि जो जडेजा का विकेट गया था वो भी धोनी की वजह से प्रेशर में गया था कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मतलब दूसरी छोर से धोनी बिल्कुल आराम से खेल रहे थे, डिफेंसिव ज्यादा शॉट्स नहीं थे, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जडेजा ने अपना विकेट इसलिए खोया कि वो कुछ अटैकिंग खेले, टीम को जिताए। देखिए ऐसी कंडीशंस में कभी आप खुद मैच मैच खेल के देखे ना, कभी गली क्रिकेट या कोई कभी एक प्रॉपर स्टेडियम में मैच खेले, तो आपको पता चलता है कि अगर इतना टारगेट बड़ा है ना, तो एक बंदे को खुद को रखना पड़ता है डिफेंसिव और दूसरे को बोलना पड़ता है कि तुम अटैकिंग खेलो, तुम आउट भी हो गए तो मैं बैठा हूं कि मैं थोड़ा सी काबिलियत रख सकता हूं, एंड में आके मैं भी शॉट्स मार दूंगा, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन होती है आपकी। निशांत पता है अपन जब मैचेस खेलते थे तो होता था कि जब बड़े टारगेट्स मिलते थे, हम खुद एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम तो अभी इतने छोटे लेवल पे खेलते हैं, तो जब एक बड़ा टारगेट मिलता था तो जो हमारे साथ जाना जाता था उसको बोलते थे कि या तो तू डिफेंसिव खेल या मैं डिफेंसिव खेलूंगा, पर हम अपन दोनों को एक अटैकिंग खेलना पड़ेगा, एक डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। तो ये है कुछ चीजें रखनी पड़ती है आपको ध्यान में। तो ये हमारे सारे सवाल खत्म हुए, 2019 के सवाल मैंने ट्विटर पे संभाल के रख रखे थे। तो अब मैं फेवर में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मानस से बिल्कुल सहमत हूँ। अब ये कहना चाह रहे थे कि धोनी चाहते तो ऊपर आ सकते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर वो ऊपर आते तो क्या होता, ऊपर आते उसके बाद अगर उनके जो साथ के आउट हो जाते तो उनको किसका साथ मिलता। मान लीजिए ऊपर आ जाते ऋषभ पंत होते, उनके साथ ऋषभ पंत संभाल के रखते, लेकिन भाई उस वक्त वो उस टाइम पे थे वो इस तरह से हैं कि वो एक मतलब एक हाथ से भी सिक्स मार सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने बात की थी कि वो पेशेंस जैसे मैच नहीं खेलते, तो उन्होंने भी कहा था सचिन ने कि सबसे बड़ी गलती जो टीम मैनेजमेंट वो ये करी कि आपने ऋषभ और हार्दिक को एक साथ भेज दिया जिसके बीच में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और है ना एक चीज और है कि उनको 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का भी डर था, क्योंकि देखिए नीचे आपके पास यंगस्टर्स थे जिनमें थे हार्दिक पांड्या जडेजा, ये थे आपके पास, और धोनी ने ना खुद को ऊपर प्रमोट किया था और फिर वो मैच हार गए थे बड़े मार्जिन से, तो वो यंगस्टर्स को प्रमोट करना चाहते थे और खुद नीचे प्रेशर झेलना चाहते थे, बस ये था एक मेन इंटेंशन। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस भी ले लिए, डिबेट भी ये, और इसका जो मैं मानस के बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और हालांकि कह रहे हैं कि ये बीसीसीआई को ब्लेम करना चाहते हैं, तो उसका मैं बोलूंगा कि बीसीसीआई की जगह मैं टीम सिलेक्टर को ब्लेम करना चाहूंगा, क्योंकि बीसीसीआई थोड़ी सिलेक्ट करेगी कि धोनी को आगे रहना चाहिए नहीं, क्योंकि सौरभ गांगुली से भी अपन सवाल पूछते हैं तो कहते हैं वो उनका खुद का डिसीजन है, अगर वो चाहे तो रिटायर हो सकते हैं और नहीं चाहे तो खेल भी सकते हैं। तो थोड़े से टीम सिलेक्टर्स के ऊपर मानस, अब आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस यही था, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको है ना धोनी और सचिन के बीच हम पार्शियलिटी नहीं कर, धोनी मैं ये वीडियोस धोनी को बेटर या सचिन को बेटर बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो पार्शियलिटी है उसको बस एक्सप्रेस करना चाहता है। मार्केट इंडस्ट्री यही काम करती है कि सच को सामने लाती है, हम फेक खबरें बिल्कुल नहीं देते, हम बताते जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना हमारे, क्या क्रिकेट पर पार्शियलिटी हो रही है, क्या बुराई हो रही है, क्या ऐसे इम्प्रूव करना है, बस वो हम बताते हैं। ये हमारा पूरा ओपिनियन है और ऐसा कुछ नहीं कि ये हमने ऐसे बोला कि ये गलत ही गलत है, ये हमारा ओपिनियन है। डिस्क्लेमर में ऊपर लिख भी दूंगा कि ये हमारा ओपिनियन है सिर्फ, आप इसका आप अपना ओपिनियन भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसको जरूर से पढ़ेंगे, सवाल के जवाब भी देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप ऐसे डिबेट और सुनना चाहते हैं या फिर लाइव सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, टॉपिक भी बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया।